हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहारी स्टाइल कद्दू की रायता की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में बन जाता है, और आप ज़रूर मेरे तरीके से एक बार ट्राई कीजिएगा और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। कद्दू का रायता बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कद्दू ली हूँ, स्मॉल साइज़ का कद्दू है। इसे हम अच्छी तरह से छील लेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे कद्दू को छील ली हूँ, अब इसे हम कट कर लेंगे। पहले इस तरह से यहाँ पे कट कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, ज़्यादा भी छोटे नहीं, मतलब मीडियम होने चाहिए इस तरह से। इसे कट कर लेंगे, इतने बड़े पीसेस होने चाहिए। इसी तरह से सारे को कट कर लेंगे हम। इधर से मैं सारे कद्दू को काट ली हूँ, अब इसे हम अच्छे से वॉश कर देंगे। इसे मैं वॉश कर ली हूँ दो पानी से, पानी आप चेंज कर लीजिएगा। अब इसे हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे पानी छान छान के हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे सारे कद्दू को। यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम पानी ऐड कर दिए हैं, अब बड़े गिलास से हाफ गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब इसका हम लीड लगा लेंगे प्रेशर कुकर का। यहाँ पे मैं लीड लगा चुकी हूँ, अब इसे इंडक्शन पे हाई फ्लेम पे 3 सीटी आने तक छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा 3 सीटी लग चुका है, अब यहाँ पे हम इंडक्शन को ऑफ़ कर देंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। अब कद्दू को ऐसे हम निकाल लेंगे, इसे छान के स्ट्रेनर में पानी को पूरा हम गाड़ लेंगे। हम इसी तरह से रख देंगे, पानी को हम पूरी तरह से छान लेंगे, स्ट्रेनर में हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे इसी तरह से। यहाँ पे हमारा 5 मिनट हो चुका है, पानी हमारा पूरा छन चुका है कद्दू से। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बाउल ले ली हूँ, अब इसी में हम कद्दू डाल देंगे। अब यही पर हम ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबल स्पून सरसों पाउडर। ये सरसों पाउडर थोड़ा दरदरा पीसिएगा, ये हाफ। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे मिक्स करके और हम इसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएंगे, तब इसमें हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा 5 मिनट हो चुका है, अब यहीं पे हम ऐड कर देंगे दही। दही हम मतलब प्लेन ले लेंगे 100 ग्राम के लगभग, और ये मतलब थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए दही, ज़्यादा खट्टी नहीं, इसमें हम ऐड कर देंगे। दही ऐड कर दी हूँ, अब यहीं पे ऐड कर देंगे अदरक। अदरक मैं यहाँ पे 2 इंच ली हूँ, 2 इंच मतलब टुकड़ा, और इसे ग्रेट कर ली हूँ अच्छी तरह से। अदरक से बहुत ही इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें डाल देंगे ये हरा मिर्च। हरा मिर्च मैं यहाँ पे 4 ले ली हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ज़्यादा तीखा खाते होंगे तो। और यहीं पे ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर है ये, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और लास्ट में इसमें हम धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, फ्रेश धनिया पत्ता। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दही कम लगे तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। दही और ऐड कर देंगे। रायता हमारा बनकर रेडी है, देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है।
इधर से रायता हमारा बनकर रेडी है, अब इसे हम इंजॉय करेंगे। आप चाहे तो इसे राइस, पराठे, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। फ्रिज में रख कर 2 से 3 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।